हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। मीठी सेवई बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए ले लेते हैं एक बर्तन छोटा सा। अब इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। अब जिस कप से चीनी नापा है उसी से पानी डाल देते हैं, ये आधा कप, फिर आधे का आधा कप मतलब एक चौथाई कप, ये टोटल पौना कप हो गया, एक कप से कम थोड़ा सा। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को मीडियम हाई फ्लेम में करके इसको तब तक चलाएंगे जब तक चीनी घुल ना जाए। अब चीनी अच्छे से घुल गई है, अब इसमें डाल देते हैं एक चौथाई स्पून इलायची पाउडर। अब इसमें डाल देते हैं एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। अब इसको एक मिनट तक पकने देते हैं। एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब एक मिनट हो गए हैं, यह चाशनी अच्छे से पक गई है, अब इसको साइड कर देते हैं। अब गैस में एक पैन रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक स्पून देसी घी। अब इसको पिघल जाने देते हैं थोड़ा सा घी को। अब घी पिघल गया है, अब इसमें डालेंगे एक कप सेवई, ये वजन में 150 ग्राम है। अब इसको डाल के भून लेंगे। अब सेवई को लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेना है। ये मैं मीठी सेवइयाँ बना रही हूँ, जब भी मिठाई खाने का मन हो तब आप इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आपको इसमें दूध भी नहीं डालना पड़ेगा, खोया भी नहीं डालना पड़ेगा, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट रहेगी। आप लोग बनाइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी मीठी सेवइयाँ आपको कैसी लगी। अब देखिए सेवई का कलर बदलने लगा है, लेकिन अभी थोड़ी सी और भूनना है। हाथ को बराबर चलाते रहें जिससे जलने ना पाए नीचे से। गैस को लो फ्लेम में ही रखें। अब सेवई अच्छे से भून गई है, देखिए अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें चाशनी को डाल देते हैं जो बना के रखा था मैंने। अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे, अब इसको पकने देंगे अच्छे से। जब भी घर में कोई मिठाई ना हो तो आप इसको 5 मिनट में बना सकते हैं। अब देखिए चाशनी थोड़ी थोड़ी सूख गई है। अब गैस को एकदम लो फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, थोड़ा सा बादाम, ये थोड़ा सा नारियल था, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आप चाहें तो इनको घी में भून के भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अभी एकदम नहीं सुखाना है, थोड़ा सा गीला ही रखना है। अब इसको थोड़ा सा बराबर ऐसे फैला देंगे। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर, वो एकदम खोया का काम करेगा आपका। अब इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच। मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देते हैं 2 स्पून। अब इसको चलाना नहीं है, इसको इसी तरह ढक देंगे 1 मिनट के लिए। गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद जब मिक्स करिए बिल्कुल खोया जैसे लगता है, ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। मिल्क पाउडर में थोड़े थोड़े दाने जैसे बन जाते हैं, टेस्ट में बिल्कुल लगता है जैसे खोया पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, सेवई भी पक गई है, इसको भी देख लीजिए, ये देखिए आराम से पक गई है। अब 1 मिनट तक और इसको भून लेते हैं गैस को लो फ्लेम में ही रख करके। देखिए एकदम देखने में लग रहा है ना जैसे खोया पड़ा हुआ है। अब 1 मिनट हो गए हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस पर सर्व कर लेंगे। अब इसको ढक के रखेंगे जिससे सूखे नहीं और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, अब इसको सर्व कर लेंगे।
अभी थोड़े से बादाम के कतरन से गार्निश कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मिल्क पाउडर है, इसको भी ऊपर से डाल लेंगे। ये तो मैं सजाने के लिए कर रही हूँ, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखने में अच्छा लगे इसलिए। ये मीठी सेवई बनके तैयार हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेंगी। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।